स्टूडेंट्स गुड, आज प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको इंग्लिश प्रोज कक्षा 12 साइंस के इंग्लिश प्रोज का लेसन 1 यानी पार्ट 1 एक गर्ल विथ ए बास्केट यानी टोकरी वाली एक लड़की नामक पाठ का हिंदी सारांश बताऊंगा। हिंदी सारांश इस प्रकार है कि विलियम सी डगलस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के ये जज थे और ये भारत घूमना चाहते थे, इसलिए ये भारत घूमने के निमित्त नई दिल्ली रानीखेत बरेली से होते हुए ये पैसेंजर ट्रेन से भारत के इलाकों में घूमना शुरू किए। उत्तर में जंगल थे, बड़े बड़े घास के मैदान थे जो कि मनुष्य के सर से भी अधिक ऊँचे थे और उस समय गंगा नदी बाढ़ की स्थिति में थी और भूरी मटमैली थी, हजारों एकड़ चावल को डुबो रही थी और उत्तर में जो जंगल थे वहाँ तरह तरह के जीव जंतुओं को उन्होंने पैसेंजर ट्रेन में से देखा। दूसरी तरफ उन्होंने तमाम प्रकार के लोगों के कच्चे मकानों को देखा। जब वह एक स्टेशन पर उतरे तो प्लेटफार्म पर वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुली भिखारी और फेरी वाले तथा विक्रेताओं वगैरह को देखे जो कि सभी ढीले सफ़ेद कपड़े में थे, सफ़ेद पोशाक में थे और नंगे पाँव थे और वो इधर उधर जो है पैदल ही टहल रहे थे। लेखक कम से कम जब 3 लोगों से बात करते हैं तो कोई एक उन्हें अंग्रेजी बोलने वाला मिलता जिससे कि वह इंग्लिश में बात करके भारत के संस्कृति सभ्यता रीति रिवाज तौर तरीके और दैनिक समाचार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसके बाद आगे एक स्टेशन पर उन्होंने जो है तमाम प्रकार के बंदरों को देखा जो कि अपने बच्चों के साथ भोजन की तलाश में इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। उसके बाद एक स्टेशन पर जब वह उतरे तो वहाँ शरणार्थी बच्चों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया, टिड्डे की तरह उन पर टूट पड़े और वे अपनी टोकरियाँ और पंखे बेच रहे थे। लेखक ने उनकी टोकरियाँ और पंखों को खरीद लिया और ये वो शरणार्थी बच्चे थे जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय पाकिस्तान से भारत में धार्मिक उन्माद के भय और डर के कारण चले आए थे और ये बेचारे भुखमरी के कगार पर थे। अपने रिश्तेदारों के साथ ये घास की झोपड़ियों में सड़क के किनारे और गलियों में रहा करते थे और ये लेखक को धनिक ग्राहक समझ करके जब ये इन पर टूट पड़े टिड्डों की तरह अपनी टोकरियाँ और पंखे बेचने के लिए तो लेखक भी दयालु थे, सबकी टोकरियाँ पंखे लिए। लेकिन एक 9 वर्षीय सुंदर छोटी लड़की जो कि भीड़ में पीछे थी उसकी टोकरियाँ वो नहीं ले पाए क्योंकि उनका हाथ भर चुका था। उस लड़की की आंखों में आंसू था, वह चिथड़े कपड़ों में थी और अपने टोकरी को बेचने के लिए वह लय में बोली। लेखक ने इशारा किया कि अब उनके पास जगह नहीं बचा है और उन्होंने मुफ्त में यूं ही उसके टोकरी में कुछ मुट्ठी भर फुटकर डाल दिया। लेकिन वह लड़की जो है स्वाभिमान के साथ उस पैसे को लेखक को वापस कर दी क्योंकि वह मुफ्त में कुछ लेना पसंद नहीं करती थी। इस पर लेखक तुरंत अपनी गलती को समझ गए और मजबूर होकर के उस लड़की के टोकरी को भी खरीद लिए जिससे कि वह लड़की अपने आंखों के आंसू को पोंछते हुए खुशी से अपने जो है झोपड़े की तरफ चली गई और उसका उस दिन का चूल्हा जल जाने का व्यवस्था हो गया था। दूसरी तरफ उन्होंने किसानों को, मजदूरों को और ऑफिस में कार्य करने वालों को और तमाम प्रकार के लोगों को देखा जो कि गरीबी के बावजूद भी ईमानदार थे और मुफ्त में कुछ लेना पसंद नहीं करते थे। उस लड़की के अंदर उन्होंने भारत की गर्म आत्मा की एक झलक देख ली थी और उन्होंने समझ लिया था कि भारत वास्तव में एक महान देश है। जब वह अपने देश अमेरिका लौटे तो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने लेटर के द्वारा सूचित किया कि वास्तव में आपका देश महान है। तो आज के लिए ये सारांश इतना ही और बाकी नेक्स्ट वीडियो।